नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। कर रही है। जी हाँ, आज की रात समीर खान की जीवनी पर लिखी गई किताब द बायोग्राफी ऑफ एन एक्टर रिलीज हो रही है। लीजिए, वो आ गए हैं, द ग्रेटेस्ट एक्शन हीरो, द सुपरस्टार समीर खान। आदरणीय सज्जनों, भाई और बहनों, जब बाबा जी ने मेरी जीवनी लिखने की इच्छा प्रकट की तो मुझे बहुत शर्म आई।
मैं एक छोटे से शहर का मामूली सा आदमी हूं, लेकिन आबा जी का आग्रह था कि मेरी जीवनी पढ़कर नई पीढ़ी को बहुत प्रेरणा मिलेगी, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। इसका पूरा श्रेय आबा जी को है। मेरे पिताजी अक्सर बीमार रहा करते थे और घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और घर में बिजली भी नहीं थी। मैं रात रात भर सड़क के किनारे लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई किया करता था। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे मेरे पास। वहीं घर के पास इस्माइल चाचा की चाय की दुकान थी, वहां झूठी प्लेटें धो लिया करता था और पैसे कमा लिया करता था। सुनने में आप लोगों को यह सब बहुत फिल्मी लग रहा होगा, लेकिन यही मेरी जिंदगी का सच है। आपने जीवन में इतनी तकलीफें झेली हैं, जो भी पढ़ेगा इमोशनल हो ही जाएगा। मैंने उतनी नहीं झेली जितना आपने लिखा है। जी जी हाँ, वो क्या है कि आम आदमी को कामयाब आदमी की दुख भरी कहानी सुनना और पढ़ना अच्छा लगता है। तो फिर आपने मुझसे जो कहा, आपकी तकलीफें, लैंप पोस्ट की बातें, वो सब झूठ, तो सच क्या है? सच वो चेक है जो आपको मिला। चेस। क्या बात है, क्या मुबारक हो यार। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। बायोग्राफी छप गई? अरे तेरी फिल्म देखी यार, सुपरहिट हो गई। सुना क्या बात, क्या काम किया तूने यार साले, कैसे कर लेते हो तुम लोग ये सब? इस बार के सारे अवार्ड तेरे? अरे नहीं यार, तेरे होते हुए कहाँ अवार्ड। अरे छोड़ यार, इस बार का अवार्ड भी तेरा ही पक्का है। नहीं यार। अरे हाँ, तेरी फिल्म का टीजर देखा मैंने, अच्छा लगा। अमेजिंग यार, क्या परफॉर्मेंस की है तुमने, अच्छा गया तुझे। देशपांडे जी, आई विल सी यू। हाँ करोड़े साला, बायोग्राफी में सब झूठ लिखा, झूठ लिखा, आदमी खराब, एक्टर उससे भी खराब। इसकी नई फिल्म का टीजर देखा मैंने, तो शो नहीं चलने वाला, एक आदमी नहीं जाने वाला थिएटर में, इसका तो पैकअप है पैकअप। सुना पहले शो के बाद ही इसकी पिक्चर ड्रॉप हो गई? हाँ मैंने भी सुना है। मंडे तो बोलते नो शो हो जाएगा। सर जी, सानिया। हाय। ओह माय गॉड सर, सर आई कांट बिलीव दिस, सर आई कांट बिलीव दिस। बिलीव कर लो, यही है वो। सर, सर आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स सर, यू आर सिंपली ग्रेट, यू आर ग्रेट सर, यू आर ग्रेट। ग्रेट पे छोड़ो, काम की बात करो ना। काम? अरे अबरार साहब। ओह ओह सर, एक्चुअली अबरार साहब आपके साथ म्यूजिकल बना रहे हैं। हाँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे उसमें हीरोइन का रोल दे दे। व्हाट? तुम जो कर सकती हो वो बताओ, गाड़ी में क्या क्या बोल रही थी बोलो। सर मुझे बहुत सारे डांस टाइप्स आते हैं सर, मुझे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, सब कुछ आता है सर। सर मैं वेस्टर्न डांसिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ। आई एम श्योर सर, आप उनसे बात करेंगे तो वो ये रोल मुझे जरूर दे देंगे। लेकिन मैं बेशक सर आप इसका ऑडिशन लेंगे। बोलो ऑडिशन दोगी कि नहीं दोगी? दोगी कि नहीं दोगी? हां सर, एनी डे एनी टाइम। एनी डे एनी टाइम बोलिए। ठीक है ठीक है। हां हां तुम्हारा थैंक यू बोलो। थैंक यू। ए डिसलवा, थैंक यू। फोटो खींचो, फोटो खींचो सर, प्लीज सर। हाथ उठो, हाथ उठो। सच ये है कि आपका क्लाइंट बहुत पैसे वाला है, जो आप जैसा बड़ा वकील हायर कर सकता है, गवाह खरीद सकता है, सबूत बिठा सकता है। और सच ये है कि आपने इसी बात का फायदा उठाया। तुम अच्छा आगे बढ़ रहे हो। और सच ये है कि इस पाप और नाइन कपी के जिम्मेदार हम वकील हैं। तुम आओगे, तुम, मैं नहीं। अगर इस लड़ाई में तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? यही तो मैं कहना चाहता हूँ सर, कि क्या अदालत दो वकीलों के बीच मुकाबले का, उनके दांव पे दिखाने का अखाड़ा भरे और कुछ नहीं? हमने एक काला कोट पहनते वक्त कसम खाई थी सर कि हम सच का साथ देंगे, लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। इंसाफ दिलाना, इंसाफ करना अदालत का काम है, मेरा नहीं। मैं वकील हूँ, वकालत करता हूँ, और अदालत ने इंसाफ किया। इस अदालत से बड़ी एक और अदालत है सर, जो दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, और वो है इंसान का अपना जमीर। और एक दिन आपको भी इस अदालत के सामने पेश होना है। ये सब किताबी बातें हैं, जिंदगी में इधर कोई मायने नहीं। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ, कामयाबी, और जो कामयाब है वही सही है। ओके दैट्स इट, थैंक यू। क्या उसे मिर्ची? नाइस नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड वर्क तुषार, ग्रेट जॉब। थैंक यू सर। सर अगला सीन देख लेते, आपने उसमें बहुत अच्छा काम किया है। अरे मैं तो ठीक हूँ, तुषार ने क्या काम किया है? मार्क माई वर्ड्स, इस फिल्म से तुम निकल जाओगे। थैंक यू अगेन सर, बाय बाय सर। ओके बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर। वेरी गुड फिल्म, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बाहर आनंद बाबू अभी भी बैठे, अभी तक भगाया नहीं तुमने उन्हें, अब कोई काम ठीक से होता नहीं तुमसे। और सर अच्छी लगी ना फिल्म? अच्छी है, बहुत अच्छी है। तुषार का रोल तो बहुत अच्छा है, छाया हुआ पूरी पिक्चर में।
आपने अपनी अगली पिक्चर का हीरो खड़ा कर दिया। पर कैसी बातें कर रहे हैं आप सर, हमारी अगली फिल्म में तो आप काम कर रहे हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे भी ले लिए हैं, अनाउंसमेंट भी कर दिया सर। तुषार अच्छा लड़का है, अच्छा काम करता है, आप अपनी अगली पिक्चर उसी के साथ बनाइए, क्यों ना रहे। अब उसी के साथ पिक्चर बनाइए आप। चलता हूँ। मैं बर्बाद हो जाऊंगा अगर आपने मेरी फिल्म में काम नहीं किया। इशारा समझो, छोकरे का रोल काटो नहीं तो खुद कट जाओगे। समझ गया, काट दिया। हैं? ऐसे कैसे काट सकते हैं सर, स्क्रिप्ट के हिसाब से तो। अरे स्क्रिप्ट गई ऐसी तैसी में। और मेरी डायरेक्शन का क्या? अरे डायरेक्शन गया कदैया के उसमें, अब आप वही करेंगे जो कि मैं कहूंगा। क्या कह रहे हैं? अब आप वही करेंगे जो हीरो कहेगा। बाबा समीर जी। समीर बेटे। अरे दादा आप कब आए? यही कुछ एक डेढ़ घंटा हुआ। एक डेढ़ घंटा हो गया? किसने? नारायण तुमने मुझे बताया नहीं आनंद बाबू आए। अरे सॉरी वो आप ना। शट अप, जानते हो ये कौन है? इतने सीनियर डायरेक्टर हैं, कितने लोगों को इंडस्ट्री में खड़ा किया इन्होंने, और तुमने इन्हें ही बार खड़ा कर दिया। लड़ी फूल। कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ आराम ही कर रहा था बैठा हुआ। ये मेरी पोती है नंदिनी, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे साथ चली आई। दादा आपने मुझे बुला लिया होता, हुक्म कीजिए। एक साल पहले मैंने एक स्क्रिप्ट दिया था, पढ़ा होगा आपने शायद। हाँ दादा हाँ हाँ। मेरी 20 साल की तपस्या है, उस पे बेस करके मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। इट बी वेरी गुड फिल्म, यू विल बी प्राउड ऑफ इट। मेरी दो पोतियाँ हैं, जाते जाते मैं इनके लिए कुछ कर जाना चाहता हूँ। दादा कब शुरू करना चाहते हैं? जब आप कहें। नारायण सर डेढ़ साल तक तो। चुप रहो। जनवरी फरवरी मार्च ठीक है आपके लिए? हाँ। स्टार्ट टू फिनिश। मैंने कहा था ना जल्दी करनी पड़ेगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, आई विल गेट द बेस्ट ऑफ द यूनिट, अच्छे से लोग इकट्ठे करके, अच्छे से राइटर इकट्ठे करके, अच्छा म्यूजिक लेकर ये पिक्चर बनाऊंगा। इट विल बी द बेस्ट फिल्म आई हैव एवर मेड, मे बी माई लास्ट फिल्म। अरे दादा आप ये सब छोड़िए और एक्शन बोलिए। एक्शन। सर करीना ने कहा है कि आधे घंटे में चली जाएगी वो। जानता हूँ जानता हूँ। 3 महीने तक नहीं आएगी सर। अरे मैं 6 महीने से जानता हूँ, लेकिन वो डिशम डिशम की औलाद वहाँ से हटे तो मैं। समीर जी हटेंगे फिर मैं बात करता हूँ, जाओ तुम जाओ। क्या बात है सर जी? नहीं। चोपड़ा साहब जस सर। हेलो सर, थैंक यू सर। नहीं सर, अरे सर पैसे जो आप दें, रेट जो आप लें। जैन फेब मार्च डन सर। ठीक है सर मैं आता हूँ। ओके जैन फेब मार्च। चोपड़ा साहब के साथ शूटिंग करेंगे तो सर जी हमने आनंद बाबू को डेट दे दिया, उनकी शूटिंग का क्या हुआ? तुमने सीरियसली उनको डेट दी? अरे सर जी आप मतलब इतना रियल एक्टिंग करते हैं ना, मैं भी धोखा खा जाता हूँ। आप ही आगे बता दीजिए कि अब आनंद बाबू आएंगे तो क्या बोलेंगे उनको। तो 6 महीने बाद की डेट दे देना। 6 महीने बाद आएंगे तो उसके 6 महीने बाद की डेट दे। वेरी गुड वेरी गुड, हम डेट आगे बढ़ाते जाएंगे, एक दिन आनंद बाबू खुद ही बढ़ जाएंगे। सानिया मैडम आई हुई है, वैन में बिठा दिया ऑडिशन। डायरेक्टर से बोलो मैं थोड़ी देर जी, मैं कर दूंगा देख लो। उसे अगर 10 मिनट लगेगा जी। थैंक यू। ओके कुर्सी दो इनको, कुर्सी दो इनको। व्हाट आई एम सेइंग इज कि उसका जो पूरा जॉब जिस तरीके से हम लोग करने जा रहे हैं सर, आप बात करोगे ना मेरे बारे में? ए, ये क्या टाइम पास चल रहा है? मैं तवायफ हूँ, 1 घंटे से शॉट लगा के वहां पर मुजरा कर रहा हूँ और आई नहीं रहे आप। 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट का है 10 मिनट? अरे प्रोड्यूसर बेचारा इंटरेस्ट भर भर के फिल्म से इंटरेस्ट गवा चुका है। अरे अगर हीरोइन चली गई 3 महीने तक वापस नहीं आएगी सर। हीरोइन चली गई। अरे 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 बर्फ ला बर्फ ला, मध्य में बर्फ लगाना। फिर वही हो गया, बर्फ ला नहीं तो बर्फ पे लिटाना पड़ेगा। हीरोइन चली गई। हाय समीर। अरे श्रीवास्तव जी कब आए? 4 घंटे से बैठा हूँ। No, I don't want to do it. सर आज का डेडलाइन नहीं यार। कॉस्ट्यूम सर? आप मेरी स्क्रिप्ट सुन लेते तो। नारायण का स्क्रिप्ट रख लो। सर लेकिन। हाँ है संजय, टेल मी। सर स्क्रिप्ट। सुनो भाई मेरा नया एड। घिसता हूँ हर सुबह खचाकच खचाकच। वाह क्या। हंसता हूँ सारा दिन चकाचक चकाचक। भालू छाप काला दंत मंजन मेरा फेवरेट। हंसते क्या हो यार? जिंदगी में कोई दंत मंजन इस्तेमाल किया है समीर? तुम्हें क्या लगता है स्टार्स जो प्रोडक्ट एंडोर्स करते हैं उसे यूज भी करते हैं? उस स्टार ने तो वो तेल सूंघा भी नहीं होगा जिसे वो बेचता है।
क्या ठंडा क्या कूल। साहब, बाबा और मैडम आपका इंतजार करके चले गए। आंसरिंग मशीन में उनका मैसेज है। रोहित को बड़ी उम्मीद थी कि तुम उसके स्कूल फंक्शन में साथ आओगे। इंतजार करता रहा। पहली बार स्टेज पर जा रहा है, वक्त मिले तो जरूर फोन कर लेना। हेलो, हाँ रोहित बेटा, सॉरी बेटा मैं लेट हो गया। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई तुमने, पापा को बिल्कुल सुपरमैन बना दिया। हाँ बेटा, अच्छा परफॉर्मेंस देना। ओके माय सुपर बॉय, लव यू। हेलो काका समीर, आई एम सो ग्लैड यू मेड इट। How could I miss your party? But I'm still confused about the occasion. आपकी girlfriend ने 5 किलो वेट लूज किया है या आपकी बिल्ली की शादी है? ना गुजर हुए पल की बात कर। I'm sorry. Hey, I'm Bhaskar. Bhaskar Nagraj. Nice to meet you. I'm Harish Gaikwad. 98201429 64. Hmm? Not interested. But I am. Didi, Didi Sameer Khan. Jo paana hai wo paana hai. Jo khona hai wo khona hai. Excuse me, sir. मेरा नाम रश्मि है, रश्मि सहनी। आपको शायद याद नहीं होगा पर आज से बिशप कॉटन शिमला। जी हाँ, मैं वहाँ चीफ गेस्ट था। अरे आपको तो सब कुछ याद है। मैं भी थिएटर का आदमी हूँ, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं भूलता हूँ। फर्स्ट प्राइज मिला था। हाँ कमाल है, आपको तो सब कुछ याद है। ये मेरी छोटी बहन रितु, ये आपकी बहुत बड़ी फैन है। जैसे ही पता चला आप इस पार्टी में आने वाले हैं तो मेरे साथ चलिए। हालांकि इसका कल एग्जाम है लेकिन पिछले 2 घंटे से यहाँ इंतजार कर रही है कि आपका ऑटोग्राफ लिए बगैर नहीं जाएगी। आप क्या कर रही हैं आजकल? जी हो गया ना तेरा, अब तू घर जा, मैं काबरा साहब से मिलकर आती हूँ। थैंक यू सर, बाय बाय। कि मुझे आज ही काबरा साहब के एयरलाइंस में नौकरी मिली है। व्हाई डोंट यू ट्राई फिल्म्स? मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है, बट आई विल ट्राई। यू आर डिजर्विंग आई एम श्योर, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, यू मस्ट ट्राई। थैंक यू। काबरा ने प्यार से बुलाया तो हमें आना ही पड़ा। यद्यपि हम यहाँ सहज अनुभव नहीं कर रहे हैं। लम्हा झोंका हवा का है, कोई इसे रोक न पाएगा। ना गुजरे हुए पल की बात कर। हाय सर। एक्सक्यूज मी, बात हुई अपना साहब से? हाँ सर, मुझे रूम मिल गया है सर। थैंक यू सो मच सर, मैं आपकी जिंदगी भरा भारी रूम। काम में ध्यान दो। इस पल की सोच, इस पल की सोच। सुना है तेरी नई फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। माइंड ब्लास्टिंग बोल यार। अरे स्क्रिप्ट को कौन पूछता आजकल? आजकल तो सब कुछ मार्केटिंग है बॉस, मार्केटिंग। तू तो जानता ही है, इससे पहले कि पब्लिक को अच्छे बुरे की समझ आए 3 दिन में माल अंदर, यही तो गेम चल रहा है, हिट एंड रन।
उस हॉल के बाहर खड़ी हूँ जहाँ की कल रात एक पार्टी में रश्मि सहानी नामक एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पार्टी में शहर के जाने माने लोग मौजूद थे और कुछ फिल्मी हस्तियाँ भी। मैं किसी रश्मि सहानी को नहीं जानता। मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ, अगर मैं वहाँ होता तो साले खूनियों को वहीं दबोच लेता। मैंने कुछ नहीं देखा। आई रियली डोंट नो। ऐसा नहीं मतलब हम फिल्म वाले कोऑपरेट नहीं करते। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और डेफिनेटली जहाँ मुद्दा आएगा जिसने देखा होगा कोऑपरेट करेगा। उस वक्त मैं पार्टी में था ही नहीं। मैंने नई गाड़ी खरीदी थी, समीर खान को अपने साथ में ड्राइव पे ले गया था। काबरा साहब के प्रेम आग्रह के कारण हम पार्टी में तो गए, लेकिन कुछ ही क्षण बाद हम वहाँ से निकल पड़े। ईश्वर उसके आत्मा को शांति दे। मेरे लिए तो बेटी भी वही थी और बेटा भी। I don't go to parties. I'm too busy with my business. कौन सी पार्टी? कैसी पार्टी? देखिए, मैं ऐसी वैसी पार्टी में नहीं जाता हूँ। अपराधी चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। रश्मि सानी मर्डर केस। अच्छी नौटंकी है दादा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब चुप हैं। Obviously, बड़े लोग इन्वॉल्व है यार, इसलिए सबकी बोलती बंद है। पुलिस भी ये जानती है दादा, इसलिए कुछ करना नहीं चाहती, मगर दिखाना भी है कि कुछ कर रहे हैं, इसलिए सबसे आसान है। बुला लो फिल्म स्टार को, शाहरुख खान सम्मन, सलमान खान क्वेश्चन। पब्लिक होश, चार दिन के बाद कोई नया कांड, पुराना कांड कारपेट के नीचे। करेक्ट बोला दादा, दो दिन पहले एक कमिश्नर ऑफिस होके आया है और कल इनकी बारी है। हीरो, कैसी रही पुलिस के साथ? क्या कैसी रही, मैं तो इस बारे में कुछ जानता नहीं, ना कुछ देखा ना कुछ सुना। मैं तो पार्टी से जल्दी चला गया था। अच्छा? हाँ, समीर को बोल के गया था। एनीवे गाइस, मेरे तो जिम का टाइम हो रहा है एंड आई हैव टू गो। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय दा, बाय 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 बाय, एंजॉय सो। बाय बड़ो। दादा, मुझे किसी ने बताया कि ये आखिरी तक था पार्टी में। झूठा आदमी है। प्रैक्टिकल आदमी है बड़ो, प्रैक्टिकल। यही क्यों, देश के किसी भी बड़े आइकॉन को ले लो, कितना भी बड़ा कांड हो, चुप रहता है। जितना चुप उतना बड़ा आइकॉन। आजकल के जमाने में ज्यादा बोलने का नहीं, शाना नहीं बनने का। सही बात है दादा, अपने आमिर खान को ही ले लो, मुश्किल से 5 मिनट बैठे होंगे। वो नर्मदा बचाओ आंदोलन में बेचारे के पोस्टर फाड़ दिए, पुतला जला दिया, गुजरात टेरिटरी बंद हो गई, डेमोक्रेसी। हमारे देश में कुछ भी हो सकता है दादा। देश का तो मालूम नहीं भेड़ो, मगर करोड़ों में 2-4 हैं जो कि नाम और शोहरत हासिल करता है, वो भी बहुत संघर्ष के बाद। उसे किसी चीज के लिए दाव पे लगा देना या खो देना समझदारी नहीं है। नो गुड भेड़ो। रश्मि सहानी मर्डर केस के बारे में आप क्या जानते हैं? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे सामने कुछ नहीं हुआ, मैं तो पार्टी से निकल गया था। जी हाँ, आपने कहा था आप पार्टी से 10:30 बजे निकल गए थे, मगर सिक्योरिटी रजिस्टर के हिसाब से आपकी गाड़ी वहाँ से 11:30 बजे निकली और खून 11:15 बजे हुआ। मैंने कब कहा कि मैं अपनी गाड़ी से गया? काबरा साहब ने नई गाड़ी ली थी, वो मुझे ड्राइव पर ले गए, फिर उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया। आप चाहे तो काबरा साहब से पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या आप इन्हें जानते हैं? ये वही लड़की है ना जिसका खून हुआ था, चैनल्स में और पेपर्स में देखा है। क्या इनसे पार्टी में मुलाकात हुई थी? आई डोंट थिंक सो, अगर मिला होता तो जरूर याद रहता। नाइस फेस। इन्हें पहचानते हैं आप? I'm sorry. ये रश्मि की छोटी बहन रितु सहानी है। इनका कहना है ये दोनों बहनें आपसे पार्टी में मिली थी और आपने इन्हें ऑटोग्राफ भी दिया था। Is it so? Maybe. इतने लोग पार्टी में मिलते, कितने लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, हम तो कागज कलम और हाथ ही देखते हैं, कई बार शक्ल तो देख ही नहीं पाते। Very sorry to hear about your sister. Anything else, sir? No, nothing. Thanks. Thank you. चुप रहोगे आप लोग? जुल्म के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? अगर जीना चाहते हो तो हिम्मत करनी पड़ेगी। कट कट कट। क्या हुआ? डायलॉग गलत बोला आपने। क्या बोला मैंने? आपने बोला अगर जीना चाहते हो तो।
तो आपको बोलना चाहिए था इंसान की तरह जीना चाहते हो तो इंसान। अरे कम ऑन यार, एक ही तो मतलब है, एक ही तो बात है दोनों की। नहीं एक ही बात, एक ही बात नहीं है बेटा। जो सच्चे हैं वही इंसान होते हैं और वही सर उठाकर जीते हैं, बाकी तो सब यूं ही जीते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। किस दुनिया में जी रहे हैं आप लोग? यहाँ हर आदमी की कोई ना कोई मजबूरी होती है, हर कोई किसी ना किसी समझौते के साथ जीता है। स्टूपिड, प्रैक्टिकल सोचिए, प्रैक्टिकल लिखिए। सर सर सबसे बड़ी एक और अदालत है सर, जो दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, और वो है इंसान का अपना जमीर, और एक दिन आपको भी उस अदालत के सामने पेश होना है। ये सब किताबी बातें हैं जय। सॉरी 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 सॉरी, एक बार और। और वो है इंसान का अपना जमीर, और एक दिन आपको भी उस अदालत के सामने पेश होना है। ये सब किताबी बातें हैं जय। एक और। और वो है इंसान का अपना जमीर, और एक दिन आपको भी उस अदालत के सामने पेश होना है। ये सब किताबी बातें हैं जय। जिंदगी में इनका कोई मायना नहीं। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ, कामयाबी। गुड शॉट समी साहब। चलो 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 चलो। नमस्ते। बैठो। देखो रितु, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने पुलिस के सामने झूठ बोला। यकीन मानो अगर मैं सच भी बोलता तब भी कोई फायदा नहीं होता। बहुत बड़े लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं, पुलिस भी कुछ नहीं करेगी। तो क्या जिन्होंने मेरी दीदी को मारा है उन्हें कुछ नहीं होगा? आप कुछ नहीं करेंगे? मैं क्या कर सकता हूं? ये जिंदगी है, कोई फिल्म नहीं जहां पे हीरो अकेला गुनहगारों से लड़कर उन्हें सजा दिला सकता है। देखो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, 10 लाख रुपए तुम रख लो, बाकी सारी बातें भूल जाओ। कुछ होगा नहीं, तुम बस अपनी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, करियर बनाओ, माँ का ख्याल रखो। इसी में तुम्हारी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। अब अपनी आत्मा की शांति के बारे में सोचिए। ये कौन है जिसने मुझे बौना बना दिया? मैं सच कह रहा हूं, ये मैं नहीं, सिर्फ हमारी शक्लें मिलती हैं। जो बात इसमें मुझ में नहीं,
इसके कई नाम हैं, कई रूप हैं, बहुत सारे कारनामे करता है ये, और मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि यह अवार्ड इसका है जो मुझे दिया जा रहा है, ये मैं नहीं। तो फिर मैं कौन हूं, मुझे यह सोचना पड़ेगा। थैंक यू। आदमी को बताकर बिल्ली भेज दूं, डील एकदम साउंड होगी, पेमेंट इन पाउंड होगी। सर, यू आर सेलिंग राष्ट्र। अरे पिए, राष्ट्र हमारी संपत्ति है और अपनी संपत्ति को बेचने में क्या आपत्ति है। तो देखो देश का नेता, अरे मुंह से भी खाता और कान से खाता, इसका यहाँ भी खाता, इसका वहाँ भी खाता। सरकार, गांव में सूखा है, हमारा बाल बच्चा भूखा है। भाई बाप, हम घास खाकर जिंदा है और हम इस पर शर्मिंदा है। घास तो राणा प्रताप खाते थे, तभी तो महाराणा कहलाते थे। सरकार, दो आदमी घास खाकर मर गए। हाँ? घास खराब क्वालिटी की रही होगी। हम वर्ल्ड बैंक जाएंगे, वहां से लेटेस्ट घास लेकर आएंगे, जगह जगह घास डोनल्ड और घास हट खुलवाएंगे। कमीशन में कम से कम 100 करोड़ कमाएंगे और नेतागिरी की परंपरा निभाएंगे। सरकार, सड़कें बहुत खराब हैं, जगह जगह गड्ढे हैं। सरकार, कल किसना की बीवी को अस्पताल ले जा रहे थे, रास्ते में ही बच्चा हो गया। ये तो अच्छा हो गया। अस्पताल तक ले जाता तो हजारों का खर्चा आता। हमने सड़क पर बच्चा करवाया, पब्लिक का पैसा बचाया। सरकार, घर घर में अंधेरा है, बिजली नहीं है। आपने तो कहा था राम राज्य लाएंगे। लाए तो राम राज्य में बिजली कहाँ थी? सत्य बच्चा दिए थे, बाती थी। तुम भी दिए जलाओ और खुशियां मनाओ। बस बहुत हो गया, खुशियां मनाओ। जगह जगह पर आतंक है, बेरोजगारी है, सीता को चिकनगुनिया और गीता डेंगू की मारी है। अच्छा, अब हम आप लोगों के दुखों को लेकर फॉरन अब्रॉड जाएंगे, दोनों हाथों से माल बटोर कर लाएंगे, बुश और बिलगेट को यहाँ पर बुलाएंगे और अपने यहाँ की भूखी नंगी जनता दिखाएंगे, और हमारे दुखों को कैश करवाएंगे, अपने और अपने रिश्तेदारों के घर भरवाएंगे। शांत शांत, इस देश में तो गौतम और गांधी का नाम है, यहाँ क्रोध और हिंसा का क्या काम है? बहुत हो गई दादागिरी, अब हल्ला बोल। बासो कप्पी, चल बस कर, चल चल बैठ वहाँ। लाओ जी गर्मा गर्म पकौड़े। जी शुक्रिया। अब बच्चों तुम लोग भी आ जाओ, पकौड़े खाओ और वेल्डिंग बंद करो। ओए चल, पहले इधर के पकौड़े खाओ। छोटू इधर, सबको पकौड़े दे। अब उत्तर मुझे एक चाय दे देना। सिद्धू साहब, आपने नाटक में जो मुद्दा उठाया है वो आप पहले पकौड़ा तो उठाओ जी, मुद्दे की बात बाद में उठा लेंगे। हाँ था भाई, तू आपने ये किताबें लाने भेजा था? ओ हाँ, ये अशफाक है जी, इसे फिल्मों का बड़ा शौक है, हीरो बनना चाहता है। हाँ हाँ, देखा ना हमने, अच्छा काम किया है। अच्छा काम नहीं, बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किया है पुत्र। वैसे तो जी नाटक एक चूट होता है, और उस चूट को लोगों के सामने सच बनाना एक एक्टर का कमाल, और यह कमाल तूने आज कर दिखाया पुत्र। बहुत अच्छी एक्टिंग की है पुत्र, ये ले तेरा इनाम। मेरी जिंदगी का पहला इनाम है। मेरा भी पहला ही था पुत्र। मेरी एक्टिंग से खुश होकर वो जेलर आचार्य साहब ने दिया था मुझे, इसकी इज्जत रखना पुत्र। सिद्धू जी, क्या ये सच है कि आप कभी खतरनाक डाकू हुआ करते थे और आपके सर पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था? देखो जी, अब तो मेरे सर पे बाल भी नहीं है। बड़ी बात सच जी,
सिद्धू जी, फिर ये एक्टिंग, नाटक, ये सब कैसे शुरू हुआ? बस नाटक से ही शुरू हुआ था जी। वो कैसे? कैसे? एक बार सबलगढ़ के इलाके में हम लोग डाका डाल के निकल रहे थे, पुलिस के साथ जबरदस्त एनकाउंटर हुआ। अपासी में वहाँ पे एक नाटक कंपनी लगी हुई थी, नाटक भी चल रहा था, हजारों की भीड़ थी वहाँ पे। तो हम लोग छुपने के लिए उस भीड़ में घुस गए और नाटक को देखने लगे। नाटक का नाम था सत्यवादी राजा हरीश्चंद्र। हरीश्चंद्र, फिर पता नहीं जी मुझे क्या हुआ, मैं नाटक देखता जा रहा था और रोता जा रहा था, देखता जा रहा था और रोता जा रहा था। एक आदमी सच के लिए इस हद तक जा सकता, इतनी बड़ी कुर्बानियां दे सकता? प्राणन प्यारी तारा हमारी रे, हमसे जुदा अब होती है। राज गया मेरा ताज गया, राज गया मेरा ताज गया, अब स्त्री बालक भी छूटते। बस जी, ऐसा दिल फटा कि उसी वक्त तय कर लिया, खून खराबा बंद, बस हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया और जेल चला गया। और वहीं पे नाटक शुरू हुआ और बाहर निकलने के बाद आज तक जारी है। तो क्या आपकी रोजी रोटी अब यही है? ना जी ना, रोजी रोटी के लिए तो हमारा एक गराज है, नाटक तो हम शौक के लिए करते हैं, या हमारे आसपास जो कुछ गलत घट रहा है उसके खिलाफ हल्ला बोलने के लिए। अच्छा, सीक्रेट मैसेज, तबक बक बक, परफूट कर फलम में मेरी फ्लिका, इसका मतलब वो बदमाश तुझे बोतल में मिलेगा। नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सब सही समझता हूँ, बहुत बेवकूफ बनाया उसने मुझे। तू इधर अपनी पूजा कर स्नेहा, मैं उधर उसकी पूजा करता हूँ। पापा पापा सुनिए तो। क्या हुआ चौहान साहब? अभी जब अशफाक को पापा के गुस्से से बचाना भगवान प्लीज। तुम यहाँ? तेरे बाप ने सैटेलाइट कैमरे से नजर रखी है मुझ पर, कहीं भी पहुंच जाता है, इसलिए गुड्डू के हाथ गलत मैसेज भिजवाया ताकि वो उधर और मैं इधर। लेकिन ऐसे भी क्या जल्दी थी? बात ही कुछ ऐसी थी, ये देखो सिद्धू साहब ने इनाम दिया है मेरी एक्टिंग से खुश होकर। बहुत अच्छी है, बधाई हो। और ये तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर है, चांदी की है, अगली बार सोने की होगी। होगी बेटा होगी, सोने की होगी पर चोरी की होगी। पापा चुप चुप, लुच्चे लफंगे निकम्मे, मुझे वहाँ भेजकर यहाँ मेरी बेटी से मिल रहा है। पापा सब देख रहे हैं। पापा सब देख। तू चुप, तू बोल बेटी। पापा हम दोनों एक दूसरे से। जानता हूँ बेटी, जानता हूँ, दो साल से जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। देख बेटी, मुझे इसके जात धर्म से कभी कोई एतराज नहीं रहा, पर कोई ढंग का काम तो करे, तुझे शादी के बाद रखेगा कैसे बेटी? कर रहा हूँ ना, काम कर रहा हूँ ना, मैं बम्बई जा रहा हूँ हीरो बनने। अरे मुझे मत बना, मेरा ड्राइवर बिल्लू भी गया था बम्बई हीरो बनने के लिए, गया तब सनी देओल था, आया तो खजूर बन के आया। तू तो वैसे ही छुआ रहा है बेटे, भगवान तेरा भला करे। चल चल चल, तेरी शादी की तैयारी करता हूँ, चल 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 चल। अशफाक, अशफाक पता नहीं कहाँ चला गया। अशफाक क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? कमबख्त ने आज फिर मेरी जेब से पैसे निकाल लिए। उसे क्यों कोस रहे हो, वो पैसे तो मैंने निकाले थे। ए झूठ मत बोलो, तुम पैसा निकालती हो तो रुपए आटा ने छोड़ देती हो, ये पटा तो पूरी जेब साफ कर देता है। पता है बाजार से चल के आ रहा हूँ मैं, इसने तो मेरी नाक कटा दी। हुआ क्या? वो ना क्या था, चौहान साहब मिल गए बाजार में। कौन चौहान साहब? अरे स्नेहा के पापा, बहुत गुस्से में थे, उनके लाख मना करने पर भी ये कमबख्त उनकी बेटी से छुप छुप के मिलता है। अब उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए मैं उन्हें एक रेस्टोरेंट में जबरदस्ती ले गया और बहुत सारी चीजों का ऑर्डर दे दिया, कचौरी, समोसा, दही बड़े, हलवा, स्पेशल चाय। अरे बाप रे, जब बिल चुकाने का वक्त आया
तो देखता हूँ मेरी जेब में पैसे ही नहीं। या अल्लाह, फिर क्या हुआ? फिर क्या, बेचारे ने बेच चुका है और बिना सब्जी खरीदे घर लौट गए। पता है जाते जाते क्या कह गए? क्या कहने लगे? अमानुल्लाह साहब, आज आपने साबित कर दिया कि लोगों को उल्लू बनाने में आप अशफाकुल्ला के बाप हैं। मुझे नहीं पता था उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना खामोश। सिर्फ बातें बनाना जानता है। कमबख्त, कितनी हसरत थी कि पढ़ लिख के खानदान का नाम रोशन करेगा। मेरी सारी जिंदगी किताबों के बीच गुजरी और ये किताबें बेच बेच के फिल्में देखता है। अरे अबू, उन्हीं फिल्मों की वजह से तो मेरी जिंदगी बनने वाली है। ये देखिए, बंबई से लेटर आया है मेरी ऑडिशन का। तू बंबई नहीं जाएगा बस। अम्मी ना, अम्मी जाएगी ना, अब्बा जाएगा नहीं, खाली डब्बा जाएगा। तुम चाय लाओ जी। देखो अमान साहब, बंदा खुद अच्छा रहे ना जी, तो लाइन कोई भी पूरी नहीं है। अब लोग होते हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है, पता ही नहीं चलता कि लाइफ में करना क्या है। भाई आपके बच्चे को तो बचपन से ही एक्टिंग का शौक है, हीरो बनना चाहता है। भाई मेरे हिसाब से एक मौका तो उसे मिलना चाहिए। मेरा दिल नहीं मानता सिद्धू साहब। अमान साहब, फिर तो पंजा लड़ा के हमेशा की तरह फैसला करना पड़ेगा। सोच लीजिए सिद्धू साहब, आजकल फिर से कसरत करने लगा हूं। ओहो, पर फिर भी चांस तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा? अच्छा अमान साहब, अगर तो मैं जीत गया जी, तो आप इसे बंबई जाने देंगे, और अगर मैं हार गया तो आप इसे रोकोगे नहीं? चलिए ठीक है, एक मिनट। वाह सिद्धू साहब, जित भी आपकी पट भी आपकी। अच्छा चलिए ठीक है, अगर मैं हार गया तो ये बंबई नहीं जाएगा। मंजूर जी? चलिए चलिए। और देखा, तेरे अब्बू तुझे कितना चाहते हैं, जानबूझ कर हार गए ताकि तू बंबई जा सके। वाह वाह सिद्धू साहब, आपका भी जवाब नहीं। चला गले लग, बंबई जा, नाम कमा। अशफाक, मुझे भी साथ ले चलो ना बंबई। क्यों, तुम्हें भी स्टार बनना है? पापा ने मेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया है, इसीलिए सोचा कि तुम्हारे साथ बंबई चलती हूँ। वहां चुपके से कोर्ट मैरिज कर लेंगे, पापा से कह देंगे कि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई है वहां। फिर कुछ ही दिनों में उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। स्नेहा, हंसी मजाक में झूठ बोलना और बात है, लेकिन मैं जिंदगी में झूठ बोलकर कुछ भी हासिल नहीं करना चाहता। एक बात पूछूं? मुझ में और अपने एक्टिंग करियर में किसी एक को चुनना पड़ा तो किसे चुनोगे? को चुनूंगा। आई एम सॉरी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा लगा तुमने सच बोला। लेकिन यह भी सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें खोना नहीं चाहता। जा रहे हो तो कुछ बनकर लौटना, तभी मुझे तुम पर गर्व होगा। भले ही तुम मुझसे छिन जाओ, मैं तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों पे देखना चाहती हूं। राव जी, मेरी बात सुनिए। बस बस, बहुत हो गया, ये ले। अरे क्या कर रहे हैं गणपत राव जी, ऐसा मत कीजिए। 6 महीने से एक पैसा नहीं दिया, न खाने का न रहने का। उससे पहले तो दिया था ना, इसीलिए तो तेरा सामान वापस कर रहा हूं। अरे गणपत राव जी, आगे भी दे दूंगा,
मुझे बहुत जल्दी काम मिलने वाला है, बड़े बड़े डायरेक्टर ने वादा किया है। तो जाना उन्हीं का घर में जाके रहे। गणपत राव जी कुछ तो रहम कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगा, प्लीज प्लीज रहम कीजिए। एक मिनट, करता हूँ रहम। थैंक यू गणपत राव जी, आपके बच्चे जिए, ये लॉज 5-स्टार होटल हो जाए, मैं ऊपर आऊँ। ये ले मेरी तरफ से फ्री, जब भी तेरा मन करे हीरो बनने का ना तो इसे देख लेना, चल दफा हो। थिएटर एक्टर के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है अशफाक, और सिद्धू साहब के नाम से खूब परिचित हूँ, बहुत ही कमिटेड थिएटर एक्टिविस्ट है, उनके बहुत से प्लेस देखे हैं मैंने। उन्हीं के थिएटर ग्रुप में मैं काम करता हूँ, बस जो सीखा उन्हीं से सीखा। ये एक्टर कौन है? सर ये मेरा दोस्त है अरविंद। हाँ इसी एक्टर की तलाश है मुझे अपनी फिल्म के लिए, इसका परफॉर्मेंस देखा था मैंने, फैंटास्टिक एक्टर, इसे कॉन्टेक्ट किया जा सकता है? बेटा अशफाक बड़ी मुश्किल से यहाँ काम बनता नजर आ रहा है, अगर तुझे फिल्म में हीरो बनना है तो लाइफ में विलन बनना ही पड़ेगा। हाँ सर। ना सर। मतलब फैंटास्टिक एक्टर? हाँ सर। कॉन्टैक्ट? ना सर। क्यों, वो कहीं शिफ्ट हो गया है? हाँ सर। नो प्रॉब्लम, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। एक एक्टर को तुम्हें पोलैंड से लेकर आया था। वो उससे भी दूर शिफ्ट हो गया है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां भी गया होगा मैं जाऊंगा और उसे लेके आऊंगा, तुम देख लेना। हाँ सर। ना सर। मतलब जाना? हाँ सर। आना? ना सर। क्यों, तुम कहना क्या चाह रहे हो? सर वो ऊपर चला गया। तुम्हारा मतलब वो मर गया? हाँ सर। कैसे? सर कुछ दिन पहले ये साइकिल पे घर जा रहा था रिहर्सल के बाद, और सामने सरियों से लदी हुई ट्रक जा रही थी, बस और ट्रक ने अचानक ब्रेक मारी और ये सरियों में जा घुसा। मैं समझ गया, आगे बता। सर एक सरिया यहाँ घुसा और एक सरिया यहाँ घुसा। प्लीज प्लीज अशफाक, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। सर एक सरिया हार्ट में भी घुसा। अरे यार आगे मत बताओ प्लीज। बहुत बुरी खबर सुनाई तुमने, मेरी फिल्म तो अब प्रॉब्लम में फंस जाएगी। सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर, मैं हूँ ना, सिद्धू साहब तो कहते हैं कि मैं उससे बेटर एक्टर हूँ। अच्छा। वो खुद भी यही कहता था। अच्छा। उसकी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश थी सर। क्या? कि मुझे बड़े पर्दे पर देखे। अच्छा। बस एक मौका मिल जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अच्छा बॉबी। यस सर। बेटा इनका जरा ऑडिशन लो। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मुझे पता था जिंदगी में जरूर कुछ ना कुछ करेगा, बड़ा काबिल है। आज तो आप बहुत खुश होंगे, समीर खान लॉन्च हो रहे हैं। समीर खान कौन? इस फिल्म का हीरो। नहीं नहीं, मेरा बेटा अशफाकुल्ला लॉन्च हो रहा है। अशफाक, समीर खान कौन है, वो भी लॉन्च हो रहा है क्या? मेरा ही नाम है। तुमने अपना नाम बदल लिया, क्या हुआ? ये देखो प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि अशफाक पुराना लगता है। अरे इतने बड़े इनकलाबी थे अशफाकुल्ला खान और इसने अपना नाम बदल लिया। नहीं नहीं, नाम फिर से बदलना होगा तुझे। क्यों परेशान कर रहे हो बेटे को, आज इसकी पहली पिक्चर का मुहूर्त है, काम करने दो इसे। चल बेटा। क्या काम करने दो, इसने अपना नाम बदल लिया, पता नहीं आगे चलकर क्या क्या बदलेगा। आगे आगे बहुत नाम करेगा जी। आप कौन है? आप कौन है? हाँ आप कौन है? मैं आपका सेक्रेटरी मम्मी पापा नारायण। मेरा सेक्रेटरी जी? एक मिनट, मम्मी को फूल दो यार। मम्मी अब ये कैमरा स्टार यहाँ खड़ा यार तुम। हाँ सर स्माइल प्लीज। उधर मम्मी पापा बधाई हो। तुम आ गई पापा। हाँ ठीक है ठीक है, सुखी रहो। देखा चौहान साहब बन गया ना हीरो। अभी दिल्ली दूर है बेटा, फिल्म कंप्लीट होने दे, फिर रिलीज होने दे, फिर चलने दे। हम लोग यहाँ बधाई देने आए हैं। हाँ पापा बधाई हो जी, बधाई हो। अशफाकुल्ला, ये अशफाकुल्ला खान नहीं है। नहीं, नाम बदल के समीर खान हो गया है। ओ जी समीर हो या खमीर हो सानू की फर्क पैदा। वो हमारे लिए तो ये वही रहेगा ना, तो बदल तो नहीं जाएगा। अरे नहीं गुरुजी, मैं नहीं बदलूंगा। मोहरत छोड़ो आजादी, ऑल द बेस्ट, एक्शन। ये तेरा ताज नहीं हमारी पगड़ी है, ये सर के साथ ही उतरेगी, ये सर का हिस्सा है। और दिन देखते हैं ना, फिल्म शुरू हो गई है। आशु मैंने 3 बार देखी है, सुपर हिट है, हाउसफुल का बोर्ड भी लगा है। प्लीज चलो 2 दिन बाद। आशु डोंट बी नर्वस, चलो ऑडियंस रिएक्शन देखते हैं ना। प्लीज डर लग रहा है, अपनी फिल्म देखने से इतना क्यों घबरा रहे हो? आओ झुटको मत मारो, आओ हारो मुझे, कोई भी आगे मारो मुझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
इस बच्चे का कोई धर्म नहीं है, ना तो इसकी सुन्नत हुई है और ना ही चढ़ाई। मैं तो ये भी नहीं जानता कि इसके माँ बाप कौन थे, इसलिए मुझे लगा कि इन दंगों में इसका मरना चांस है। देखो सब कैसे ध्यान से देख रहे हैं, इसीलिए मैं इसे बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब मुझे लगता है कि इसका मर जाना ही अच्छा है। स्क्रीन आउट फोकस लग रहा है। कम से कम इस नंबर से इसकी आवाज बंद हो जाएगी। देखो ना, शायद प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम है। तुम्हारी आंखें भीग गई हैं। आओ, मारो, मारो उसे, बड़ो आगे मारो। लेकिन इसकी चीख की गूंज आने वाली नस्लों को चैन से जीने नहीं देगी। आओ, बड़ो आगे, मार डालो इसे। कल को इसके माथे पर भी किसी धर्म का ठप्पा लग जाएगा। और ये भी आपकी तरह, सीने में नफरत की आग लिए हथियार उठाए आप लोगों की भीड़ में शामिल हो जाएगा। इसीलिए इसका मर जाना ही अच्छा है। मारो। ये साबित हो चुका है कि ये सारे गवाह झूठे हैं। मिंटी चॉकलेट खाओ भी खिलाओ भी। हाँ, अगर मनोज आपका इकलौता बेटा है तो मेरे लिए भी भाई से कम नहीं। गेटवे ऑफ इंडिया वेस्ट सेंट्री। पुलिस कहती है कि मैंने खून किया, लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने इंसाफ किया। The ultimate razor blade, conquered. कुछ भी करूंगा अपने आप को बेच दूंगा, लेकिन मेरी बहन को बचा लीजिए डॉक्टर। मर जाएंगे भूखे, लेकिन झुकेंगे नहीं। एक और लाओ वंडिया का वड़ा पाव, पेट भर जाए पर दिल ना भरे। और अगर तुम्हारा इनकलाब इस मर्यादा से नाता तोड़ता है तो मैं इस इनकलाब से नाता तोड़ दूंगा। छोटे भाई को अंदर कर दिया। ईश्वर को प्रिय ईश्वर छाप अगरबत्ती। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई बत्ती। मैं अंधा हो गया, मैं अंधा हो गया डॉक्टर। तुम जैसे जानवरों के लिए दो ही जगह होती है, जंगल या पिंजरा। गेंडा मल जीरा गोली। मैं डांस करूंगा, रोमांस करूंगा, शादी करूंगा। राजू छू बेटा, ये भी तेरे दादाजी हैं। वो इतना बड़ा हो गया। जी हमारा पुत्र। ठहरो,
अरे हेला थैंक यू। जा ले जा। और पुत्र तेरा पापा सो रहा है कि जाग गया है? नहीं नहीं उठ गया है, आ रहा है। आजकल तो दिन रात शूटिंग चल रही है। अमान साहब बिजी रहना चाहिए आदमी को। भाई साहब इस तरफ तशरीफ लाइए, नाश्ता तैयार है। नाश्ता क्या जी, मैं तो खाना भी खा के जाऊंगा। अमान साहब कुछ सेवैया वगैरह बनवाइए। अरे अशफाक देखो आजा पुत्र। कैसे हैं गुरुजी? ठीक है पुत्र। खुश रहा है मेरा बच्चा। जी तेरा बेटा बढ़िया ना। हाँ बेटा इधर आ। बहुत दिनों बाद हमारी याद आई है ना। पूरे हिंदुस्तान के टूर पे निकल गया था अपनी नाटक टोली को लेकर 6 महीने के लिए। 2 साल के बाद लौट कर आया हूँ। इतना वक्त कैसे लग गया? देखो भाई हमारे नाटकों पे ऑब्जेक्शन तो पहले भी होते थे, पर इस बार हमने नया रिकॉर्ड कायम किया। हर एक प्रांत में हमारे नाटक पे ऑब्जेक्शन हुआ और हम अरेस्ट हुए, कहीं 2 हफ्ते के लिए, कहीं 2 महीने के लिए जाके जेल के अंदर बैठ गए। देखो जी चोर चक्के तो हैं ही हमारी टोली में। अब मैं सोचता हूँ अमान साहब एक वकील को भी दाखिल कर लूँ, एक्टिंग भी करेगा और हमारे लिए वकालत भी करेगा फ्री ऑफ चार्ज। आप वैसे के वैसे ही हैं, बिल्कुल नहीं बदले। पुत्र वो इंसान ही क्या जो बदल जाए। अच्छा गुरुजी लेट हो गया, शाम को खाने पे मिलते। बात सुन पुत्र, तेरे साथ एक काम है, आ बैठ जरा, अर्जेंट है थोड़ा। गुना के साथ लगा हुआ एक गांव है कैलारस, वहां पे। बेटा अपने कमरे में जा, मैं अभी आती हूँ, जा। वहां पे एक दलित लड़की का 3 लड़कों ने बलात्कार कर दिया। उनमें से एक लड़का वहां के एमएलए का लड़का है। लड़की रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने गई तो उसे वहां से भगा दिया। कोई और उनके खिलाफ रिपोर्ट ना लगा सके इसलिए उन लोगों ने उस लड़की को नंगा करके पूरे गांव में घुमा दिया। तोबा तोबा। अरे अमान साहब जब मैंने सुना तो दिल में ऐसी आग लगी, सौ वाहेगुरु दी अगर मैं पहले वाला सिद्धू होता ना तो। पर खैर जी हमारी कोशिशों से FIR तो दर्ज हो गया पर मामला ठप पड़ा हुआ है। हमने भी ठान ली बाबे की दया से लड़की को इंसाफ तो दिला के रहेंगे। हम सड़क पे उतरेंगे और हल्ला बोलेंगे, मंत्रालय के सामने जाके नुक्कड़ नाटक करेंगे। और तू तो है ही हमारे साथ। जी मैं? तू इतना बड़ा स्टार है पुत्र, ये सारा मीडिया चैनल सब तेरे साथ चलते, तू आ जाएगा तो हंगामा हो जाएगा, फिर सरकार को इस केस को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। इस महीने के आखिर में 2 दिन चाहिए तेरे बस। नारायण। अरे कहाँ सर 2 दिन, परसों से आप अमेरिका जा रहे हैं 1 महीने की शूटिंग के लिए। नेक्स्ट मंथ लौटते हुए थोड़े डिस्टेंस पर लंदन है, वहाँ डे नाइट आपको फोटो शूट करना है। उसके बाद जरा नीचे आइए साउथ अफ्रीका, सन सिटी, डरबन, एड शूटिंग है डे नाइट। उसमें से मैंने बहुत मुश्किल से समय निकाला है सर पेरिस के लिए, जहाँ मित्तल साहब के बेटे की शादी है वहाँ आपको आइटम सॉन्ग गाना है। नेक्स्ट नाइट दुबई में शेख साहब के बेटे को अस्सलाम वालेकुम कहते हुए डिनर करना है। ओ यार तू हमें पूरी दुनिया मत घुमा, 2 दिन दे दे बस। इम्पॉसिबल सर जी। भैया अशफाक इसको समझा मैं कौन। गुरु जी मैं सोच रहा था कि मेरा आना ठीक रहेगा। क्यों, पहले भी तो नुक्कड़ नाटक किए हैं तूने। पहले की बात और थी, अब मुझे लगता है कि मेरा आना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, तू करना नहीं चाहता? बोल ना, खुल के बोल, हाँ या ना। आई एम सॉरी, नहीं कर सकता। क्यों भाई, बहुत बड़ा स्टार हो गया तू, शर्म आएगी तुझे सड़क पे उतरने में। एक बेबस औरत को इंसाफ दिलाने में तेरा मुंह नहीं खुलेगा। तुम साले स्टार लोग वैसे तो बहुत बोलते हो,
चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, तेल, साबुन, यहां तक कि चड्डी बनियान तक बेचने के लिए इतना बड़ा मुंह खुलता है तुम्हारा, और मुद्दे की बात करने के लिए मुंह नहीं खुलेगा तुम्हारा। दिस इज रिडिक्युलस। फटे में टांग डालने की पुरानी आदत है आपकी। कौन लगती है वो आपकी? कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान? बस ओए, एक लफ्ज भी आगे मत बोलना। अरे अपने बदन पर चोट लगे तो सारा जानवर भी रोता है। इंसान वो है जो दूसरे की चोट को महसूस कर सके। सिद्धू साहब, मैं समझाता हूँ उसे। अरे छोड़िए अमन साहब, क्या समझना है? समझ गया मैं सब कुछ। ये आदमी आपका बेटा, इसका कैरेक्टर बदल गया है। चलो सिद्धू साहब, मेरी बात सुनिए। आप कैसे भी करके दो दिन निकालो, सिर्फ दो दिनों की बात है। सिद्धू साहब को हम मना नहीं कर सकते। जी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बॉस बोल दे तो मैं... अरे मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हारे बॉस का बाप। आप बीच में मत आइए अबू, प्लीज। अशफाक, मैं कुछ सुनाना चाहता। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, तुम्हें नाटक करना पड़ेगा। नहीं करूंगा। अरे सिद्धू साहब तुम्हारे गुरु हैं। लेकिन मैं एकलव्य नहीं हूँ जो अपना अंगूठा काट के दे दूं। इतनी मेहनत से नाम हासिल किया है, एक जरा सी कॉन्ट्रोवर्सी से धूल में मिल सकता है। आप बार बार भूल जाते हैं कि आप अशफाक के बाप नहीं, समीर खान के बाप हैं। चले गए। कहाँ? अपने घर। दादी रो रही थी, पापा बोला कभी नहीं आएंगे। पापा आप रो रहे? इधर आओ। आपका पापा कौन है? सुपरमैन। सुपरमैन रोता है कभी? मालूम नहीं। हाँ बेटा, कभी कभी रोता है। रोहित, चलो नाश्ता लग गया, जल्दी जाके खा लो। रोहित ने बताया तुम्हें? तुमने रोका नहीं उन्हें? तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? तुमने बात ही ऐसी की कि वो अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? बच्चा हूं मैं उनका, मेरी बात बुरी लग गई। तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना। सबको मैं समझूं, लेकिन मुझे कोई नहीं समझेगा। मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या सोचता हूं, मैं किस लिए इतनी मेहनत करता हूं, मेरे ड्रीम्स क्या हैं? मैं गलत कह रहा हूं? आजकल मैं बहुत इस्तेमाल करने लगी हूं तुम अपनी बातों में। रिहर्सल कर रहे थे, इंटीमेट सीन था तो डायरेक्टर ने कहा रिहर्सल करके कंफर्टेबल हो जाओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्नेहा, सब देख रहे हैं, खामखा स्कैंडल हो जाएगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मैंने जो दूसरे नहीं करते, सभी करते हैं। देयर इज नथिंग सीरियस अबाउट इट। और बाहर मैं कुछ भी करूं, लौट के तो इसी घर में आता हूं तुम्हारे पास। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति इतना पॉपुलर है कि बड़ी बड़ी हीरोइनें उसके आगे पीछे घूमती हैं। एक पति होने की हैसियत से हर जिम्मेदारी निभाई है मैंने। बंगला, गाड़ी, जेवर क्या नहीं है तुम्हारे पास, बोलो। देख क्या रही हो? देख रही हूं कि तुम कितने बदल गए हो। बदलना पड़ता है,
और जो नहीं बदलता वो पीछे रह जाता है। और तुम भी बदलो अपने आप को, ये तुम्हारी स्मॉल टाउन मेंटालिटी और मिडिल क्लास वैल्यूज भूल जाओ इन्हें, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। ए, रुको, बात कर रहा हूं मैं अभी। हाथ छोड़ो अशफाक, अशफाक हाथ छोड़ दो मेरा। अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा, अब सिर्फ रोहित की वजह से मैं इस घर में रहूंगी। सर, सर घर आ गया सर। अरे अपने बदन पर चोट लगे तो सारा जानवर भी रोता है, इंसान वो है जो दूसरे की चोट को महसूस कर सके। ये आदमी आपका बेटा, इसका कैरेक्टर बदल गया है। सिद्धू साहब तुम्हारे गुरु हैं, लेकिन मैं एकलव्य नहीं हूं जो अपना अंगूठा काट के दे दूं। इतनी मेहनत से नाम हासिल किया है, एक जरा सी कंट्रोवर्सी से धूल में मिल सकता है। आप बार बार भूल जाते हैं कि अब आप अशफाक के बाप नहीं, समीर खान के बाप हैं। अशफाक हाथ छोड़ दो मेरा, अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा, सिर्फ रोहित की वजह से मैं इस घर में रहूंगी। अब अगर आप चाहें तो हम ये कागज फाड़ कर फेंक सकते हैं। जी जी हाँ, क्योंकि हो सकता है कल को आप डर जाएं और कहें कि मैंने ये सब पुलिस के दबाव में आकर लिखा है। आप अपने स्टेटमेंट से मुकर तो नहीं जाएंगे? जी नहीं, मैं अपना स्टेटमेंट नहीं बदलूंगा, कोर्ट में भी यही कहूंगा। उन दोनों को तो मैं हजारों की भीड़ में भी पहचान लूंगा। गुड सर, हेलो भैया, हजारों की भीड़ में पहचान लोगे लड़कों को? ये सारी अपनी हीरोगिरी पर्दे तक ही रखना, आज अंडा मारा है कल तेजाब फेंक के मारेंगे तेरे मुंह पे। कितना हुआ भाई?
10 रुपये। कहाँ रह गए थे इतनी देर तक? क्यों, क्या हुआ? टीवी पर लगातार दिखा रहे हैं, अशफाक को जान की धमकियां मिल रही हैं। सब्जियों को तो आग लगी हुई है, टमाटर 30 रुपए किलो, प्याज 20 रुपए किलो, मिडिल क्लास की तो लाइफ लाइन ही है ये। क्या हो गया है आपको? अरे मैं अशफाक की बात कर रही हूँ और आप है कौन? अशफाक, ओ मशहूर फिल्म स्टार समीर खान। क्यों एक ही बात को दिल पे लगा के बैठे हो? खुदा के लिए भूल जाओ ना सब, हमारे बेटे की जान खतरे में। चलो हम बम्बई चलते हैं या फिर उसे यहीं बुला लेते हैं, मेरे दिल में तो हाल उठ रहे हैं। चलो नजमा, देखो रो मत, सब ठीक है। नहीं, अरे बहू से बात हो गई मेरी, घर में 24 घंटे पुलिस का पहरा है। हेलो, कुलकर्णी है जी। कमिश्नर साहब, सिक्योरिटी ओके? जी सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है। कल सुबह आ जाना। जी मैं कल पहुंच जाऊंगा। दोनों को पहचान लोगे ना? आप फिक्र मत कीजिए, मुझे दोनों की शक्लें याद हैं। सी यू टुमारो। थैंक यू। हाथ चलाए ना, इसीलिए थोड़ी देर में उतर जाएगा। किताब रखिए, रखिए किताब। गो कॉल द डॉक्टर नाउ। यस सर, सॉरी। पापा, घर में आग कैसे लगी? पता नहीं बेटा, तुम आराम करो। मंगेश गाड़ी वापस घुमा लो, घर जाएंगे। सर कमिश्नर ऑफिस नहीं जाना है शिनाख्त के लिए? नहीं जाना। ट्रैफिक में बेहोश हो गई थी, डॉक्टर देख रहे हैं उसे। इन्फेक्शन हो गया है और काफी सीरियस है। आप पेशेंट की माँ? हेलो, आपकी बेटी का जो किडनी का ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन? उन्होंने खुद मुझे बताया कि उन्होंने किडनी किसी को डोनेट की है। मुझे लगता है उसी का इन्फेक्शन है, कम से कम एक हफ्ता यहाँ रुकना पड़ेगा। क्यों किया तूने ये? बोल, बोलती क्यों नहीं?
मां, दीदी के केस को जिंदा रखने के लिए बड़ा वकील चाहिए, बड़ा वकील, बहुत सारे पैसे। भगवान, पहले वो चले गए, अब तो मुझे अपनी परवाह नहीं है माँ, दीदी को इंसाफ दिलाना है, उसके हत्यारे अभी भी खुले घूम रहे हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए माँ, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मशहूर अभिनेता समीर खान ने रश्मि सानी मर्डर केस से जुड़े जिन दो लोगों की शिनाख्त की है उनमें से एक है मिनिस्टर गायकवाड़ के बेटे हरीश और दूसरे हैं लीकर बैरन शिवा नागराजन के बेटे भास्कर। पॉलिटिक्स है ये सब, पॉलिटिक्स है सब, पता चलेगा बाद में, अपोजिशन का गेम है ये। ये स्टोरी सेटिंग मेरे घर रख लेते, अपने घर रख लेते, इतनी दूर फार्म हाउस में क्यों? मैंने ये सोचा कि यहाँ आराम से अगर बैठकर हम डिस्कस करें तो। अच्छा है, अच्छा है। राइटर्स कहाँ हैं? नमस्कार। आई एम सॉरी गायकवाड़ साहब, आपसे अकेले में बात करना चाहते थे इसलिए मैंने आपको ये। मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी है। अरे रुकिए रुकिए समीर साहब, रुकिए रुकिए, हमसे बात करने में आप ही का फायदा है, आप मुझे तो जानते ही हैं, अब इनसे मिलिए। ये है मशहूर लिकर बारन मिस्टर शिवनागराजन, भास्कर के पिता। आप हैं इंद्रजीत चड्ढा, राजनीति के चाणक्य। मैं सिर्फ पंचाल, मैं इनका साला कम पीए कम सेक्रेटरी। पंचाल। ओके समीर साहब, उस लड़के के मरने का हमको भी बहुत अफसोस है। वाइड साले, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारे बच्चों से मिस्टेक हो गया। मैंने उसे बहुत डांटा, झापड़ लगा दिया उसको, इन्होंने तो कितना मारा। लेकिन आपने अच्छा किया, सच बोला, सच हमेशा बोलना चाहिए। आई लाइक इट, गुड, यू आर अ रियल हीरो। मिस्टर नागराजन तो इसी बात से आपके फैन हो गए। A good man, a great actor like you deserves an international film. मैं बनाऊंगा आपके साथ एक international English film. बस हो गया? अब तो हम ही आपको पहुंचा देंगे हॉलीवुड धूमधाम से। काम की बात कीजिए। अदालत में बयान बदलना होगा। पार्टी में आपने कुछ नहीं देखा, न मेरे बेटे हरीश को, न इनके बेटे भास्कर को। घबराइए मत, पुलिस में हमारी सेटिंग हो गई है, वो कुछ नहीं बोलेगी। और अगर बयान ना बदला तो? भैया अभी तो बच्चे का सिर्फ हाथ है जला है, बयान बदल दो नहीं तो खानदान का खानदान। तिवारी, क्या कर रहा है तू? खून मार दिया। ए तिवारी, नीचे रख। ए साहब, खून निकल गया। नीचे रख, खून निकल गया साहब, देखो। अरे ये चंबल नहीं है, ये शहर है। ए चाट के चढ़ा दूंगा मैं, ले जाओ उसको, चाट के चढ़ा दूंगा। उल्टी गिनती शुरू, शुरू उल्टी गिनती। खून कर देगा किसी का। अच्छा वो आपने रोक दिया तो। ए नाटक क्या कर रहा है, डरा रहा है मुझे? खबरदार, जो मेरी फैमिली की तरफ आंख उठा के भी देखा, समझा? आठ साल का तेरा बच्चा, जरा सा एक हाथ जल गया तो इतना तड़प रहा है तू, और मेरा 25 साल का बेटा, उसे तू जेल भिजवाएगा, फांसी दिलवाएगा तू? प्लीज गायकवाड़ साहब, लुक मिस्टर समीर, यू आर ऑल्सो अ फादर, अगर आप हमारा पे नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अरे ये समझेगा,
लास्ट चांस, मान जा वरना इतने हाथ है मेरे, कहां कहां से वार करूंगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास पैसा है, पावर है, पब्लिक है। हीरो से जीरो बनाने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। साबिर खान को अपोजिशन ने साइन किया है, किसी नई फिल्म के लिए नहीं, मेरे बेटे पे झूठा इल्जाम लगा के मुझे बदनाम करने के लिए। ऐसे फिल्म स्टारों का कोई ईमान धर्म जैसा तो होता ही नहीं। अब कोई उसे पैसे दे देगा तो वो बोलेगा कि मैं ये काला कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, ये सबसे अच्छा है। कल कोई और पैसे दे देगा तो बोलेगा अब मैं नारंगी वाला पीता हूँ, वो काले वाले से ज्यादा अच्छा है। उनको पैसे दे दो तो किसी की भी शादी में जाके नाच के आएंगे, और पैसे दे दोगे तो किसी की भी मैयत पे जाके रोएंगे भी। अब यही समीर खान बोल रहा था कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो वहां था ही नहीं, मैं तो पार्टी में था ही नहीं, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। और अब वही बोल रहा है कि मैं था, मैंने देखा। अब क्या है, पब्लिसिटी के लिए, पैसे के लिए ये फिल्म स्टार कुछ भी करते हैं, इसलिए तो जनता भड़क उठी। हम तेरी फिल्म को नहीं चलने देंगे, पोस्टर फाड़ देंगे, थिएटर को आग लगा देंगे। मैंने बोला शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसा मत करो, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, भाई लोकशाही है, प्रजातंत्र है। नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है मशहूर फिल्म कलाकार समीर खान की। समीर खान साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहले एक बार आपने हम देखा, पुलिस को आपने एक बयान दिया था, कोई कत्ल हुआ था रश्मि सानी नाम की लड़की का। पहले तो आपने कहा था मैंने देखा नहीं, मैं तो चला गया था, कहा था ना आपने जी। और अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, आपने सब कुछ देखा था, बदलाना अभी आपने बयान जी। क्या इस बार एक्टिंग कर रहे हैं या पहली बार एक्टिंग की थी आपने? नहीं, मैं इस बार सच बोल रहा हूँ। तो आप पहली बार एक्टिंग कर रहे थे? नहीं, कंट्रोवर्सी में। एक्शन हीरो, आपकी आवाज ही निकलती, क्या बात है? कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता था मैं। और समीर खान, आप जो कह रहे हैं कि आपने कत्ल होते देखा जी, आपने उस लड़की के ऊपर गोली चलाते हुए दो लड़कों को देखा, ये भी कह रहे हैं आप जी? एक फिल्म में इतना बड़ा हीरो तो आप क्यों क्यों आप चुप क्यों रहे? आप मेकअप करके निकल लिए जब आपने देखा लड़की का खून हो रहा है, कट लिए आप? आपने कुछ किया क्यों नहीं? जो दिल की आवाज है एक्शन हीरो साहब, उसको जुबान पर भी लाइए। मैं पूछ रहा हूं, आपने कुछ किया क्यों नहीं? मैं पूछ रहा हूं, आपने कुछ किया क्यों नहीं? जी मैं, डर गया था। फिल्म का एक्शन हीरो, जब लड़की का खून बाहर निकल रहा था, आपका खून जम गया। इसका मतलब यह है कि हत्या के आप भी उतने ही जिम्मेवार हैं जैसे कि वो दोनों लड़के थे। अरे आप एक्शन हीरो, अब क्यों पब्लिक ताली बजाएगी आपके एक्शन के ऊपर? क्या जरूरत थी टीवी पर ये कहने की कि आप डर गए? हम तो पूरे बर्बाद हो गए। अब ये मैटर बहुत पॉलिटिकल हो गया है, और जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, हम समीर खान की कोई भी पिक्चर हमारे थिएटर चैन में रिलीज नहीं करेंगे। ये सब तो ठीक है, वेरीफाई कर लेंगे हम लोग। अब आप ये भी बताइए, जो आपने डिक्लेयर नहीं किया, बेनामी अकाउंट्स, बेनामी प्रॉपर्टीज, वरना और भी तरीके हैं हमारे पास, घर की एक एक ईंट उखाड़ के देखेंगे हम लोग। समीर और उसकी बीवी रहते एक छत के नीचे जरूर हैं, लेकिन सोते अलग अलग कमरों में हैं। श्योर?
बस यूं समझ लीजिए कि सीधे बेडरूम से खबर लेकर आया हूं। उछालो। समीर खान साहब, आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं। सुना आपसे रेजिग्नेशन मांगा है। डॉक्यूमेंट्स आज अखबारों में छपा है, आपकी बीवी से आपके संबंध ठीक नहीं है, क्या ये सच है? डॉक्यूमेंट्स वो आपके चाल चलन से दुखी है और आपसे तलाक मांग रही है, क्या ये सच है? मैंने कहा ना, नो कमेंट्स। क्या ये सच है? आप लोग रहते हो एक घर में लेकिन सोते हो अलग अलग कमरों में। एक मिनट, कैमरा यहाँ घुमाइए, माइक यहाँ लेके आइए, मैं जवाब देती हूँ। This question concerns me also. For your kind information, let me tell you, हम दोनों के संबंध उतने ही नॉर्मल और हेल्दी हैं जितने कि आपके माँ बाप के या आपके आपकी बीवी के साथ है। मैं आज भी इनसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी, और अब मैं इन्हें एडमायर करती हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बुजदिल नहीं है। इस झूठी और मतलबी दुनिया में जहां भाई भाई का नहीं होता और बेटा बाप का हाथ छोड़ देता है, वहां मेरे पति एक ऐसी लड़की की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे वो जानते तक नहीं। बिकॉज ही इज गॉट बॉल्स, ही इज गॉट द गट्स एंड ही इज गॉट करेज। एनी मोर क्वेश्चंस? नो मैम, सॉरी सर। अल्लाह ने जिसको नवाजा वो तुम हो, हाजी हो अली हो, मर्दे खुदा तुम हो। हाँ, तुम दोस्त हो खुदा के, हमारा सलाम लो। अल्लाह के बंदों के दिल का पयाम लो। से तुम्हारे हम जाएं कहाँ, पाकर रहेंगे सब मुरादे यहाँ। बोले हाजी पिया ऐ वली खुदा, ऐ वली खुदा, बोले हाजी पिया। Bye.
मोरे हाजी पिया, मोरे हाजी पिया बोलिए खुदा। सब लोग हंस रहे तुम पर, तुम क्या चाहते हो लोग मुझ पे भी हंसे? गलती इंसान से होती है, हमसे भी हुई, लेकिन लोग हंसेंगे ये सोचकर क्या आदमी को अपनी गलती सुधारनी नहीं चाहिए? अगर मैंने मेरा बयान बदली कर दिया तो मेरे शेयर होल्डर्स का विश्वास मुझ पे से उठ जाएगा। तेरे एक ही नजर में गिरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने लाखों फैंस की नजरों से नहीं गिरना चाहता जैसे तू गिर गया है। स्वामी जी, मैं अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका हूं, लोग आपकी पूजा करते हैं, इज्जत करते हैं, अगर आप अदालत में चल के बोलेंगे तो आपकी सुनी जाएगी। वो दो लड़के आपकी आंखों के सामने से निकल कर चले गए, मैं आपसे सिर्फ उतना ही कहने को कह रहा हूँ जो सच है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। बेटा इस संसार में हम जो भी कुछ देखते हैं उसका तो अस्तित्व है ही नहीं, और इसलिए हमें भीतर से बाहर की ओर देखना भी नहीं चाहिए, हमें तो बस बाहर से भीतर की ओर देखना है। मैं देख रहा हूं स्वामी, बाहर से तेरे भीतर देख रहा हूं, तेरे मुंह के छेद से लेकर पीछे के छेद के बीच कुछ नहीं है, एक महाशून्य है। महसूल मिस साहनी, इन लड़कों को जरा गौर से देखिए और बताइए कि उस रात पार्टी में क्या इन्हीं लड़कों ने आपकी बहन के साथ बदतमीजी की थी? जी नहीं। इन लड़कों को उस रात पार्टी में आपने देखा था? जी जी नहीं देखा। समीर इसको क्या हो गया, झूठ क्यों बोल रही है ये लड़की? ऑर्डर ऑर्डर। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस द्वारा पेश की गई पिस्टल और लाश में मिली गोली मैच नहीं करती, ये अदालत हरीश गायकवाड़ और भास्कर नागराजन को बाइज्जत बरी करती है और इस केस को खारिज करती है। बहुत हैरानगी की बात है, मेरी पोती फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करती है, उसने ये रिपोर्ट टाइप की थी, उसने मुझे बताया था पिस्टल और गोलियां मैच करती हैं, जरूर कहीं किसी ने बहुत बड़ी गड़बड़ की है। I'm sorry sir, I'm sorry। कल शाम को इनके आदमियों ने बीच बाजार में और फिर उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अदालत में अगर सच बोला तो अभी भी दो आदमी घर पर है बाकी बस। अरे काय साला, बच्ची क्यों रो रही है? हा? इतना हिम्मत करके अदालत में सच बोला, अब क्या हुआ? केस हार गई है, रोएगी नहीं तो और क्या करेगी बेचारी? बेचारा तो ये है, ट्रेजेडी तो इसका है, खुल के रो भी नहीं सकता। बिग स्टार एक्शन हीरो, गो होम एंड क्राई मैन। आप क्राई करने से क्या फायदा नागराजन, मैंने बोला था आपको हमारे पास पावर है, पैसा है, पब्लिक, हम कुछ भी कर सकते हैं। हायर जो हो गया सो हो गया, नथिंग पर्सनल है, नो हार्ड फीलिंग्स। ये आर्टिस्ट लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। एनीवे घर आइए, हमारे बड़े प्यार से बनाया, ताजमहल नहीं है लेकिन ताजमहल से कम भी नहीं, आइए। मूड ठीक नहीं, अच्छा चाय, चाय महाराष्ट्र। थैंक यू डैड। कम कम माय सन, आज होगी गुड शो। थैंक्स बेब।
छोड़ दिए सर, होठ है सर, छोड़िए प्लीज। अरे तोड़ दिया, शुक्र करो छोड़ दिया, जाओ से चलो। ये सब हीरोगिरी के लिए क्या क्या करना चाहते हैं? क्या इसके विश्व का भविष्य किस स्टंट है? देखिए तो क्या साल आया, क्या चक्कर चल रहा है? समीर का बताइए सर, बताइए मिस्टर समीर, क्या कहना चाहते हैं? मिनिस्टर का क्या ये सच है कि रश्मि की बहन के साथ आपके नाजायज ताल्लुकात हैं? यू मस्ट आंसर, बताइए क्या ये सच है? वो हीरो आया है। कौन? समीर खान। ए, तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? आउट आउट। अरे हाथ नीचे बेटा, फिर तोड़ देगा। मान छोड़ो हरेश। अरे व्हाट अ सरप्राइज समीर खान। डैड ये अंदर नहीं आएगा, ये मेहमान है, ये मेहमान है, ऐसा नहीं करते। चलो आप अंचल खाना लगाओ इनके लिए। चलो फोन तो कर दिया होता। 24 घंटे लॉकअप में बिठा तब जाकर आई बात समझ में। हमारे पास पब्लिक है, पावर है, पैसा है, हम कुछ भी कर सकते। तू क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। लेकिन सॉरी बोलने का जरूरत नहीं, नथिंग पर्सनल है। बहुत बढ़िया। आलीशान। ये झूमर बेल्जियम। और ये रग जिस पे तुम खड़े हो, फ्रॉम पर्शिया। ये पूरा इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, इटली। और ये मिंगवास फ्रॉम चाइना। और ये पूरा सोफा सेट मैंने जर्मनी से मंगवाया, फ्रैंकफर्ट। और ये डच मास्टरपीस फ्रॉम हॉलैंड। और वो स्टीरियो सिस्टम, वो जो छुपा है ना, जापान। अच्छा इस्तेमाल किया गरीब जनता के पैसे का, वरना वो बेवकूफ तो दाल रोटी में वेस्ट कर देते। तू गाली दे रहा है या तारीफ कर रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है? कुछ पता नहीं चला। चल तेरे लिए ड्रिंक बनाता हूं, विस्की फ्रॉम स्कॉटलैंड। पता है जब गांव से निकला था तो एक ही सपना था कि एक ऐसा घर बनाऊंगा। इसकी एक एक ईंट में मेरे दिल की छाप है। ये 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 क्या कर रहा तू? तो बाथरूम उतर है तू? ये क्या कर रहा तू? ये क्या है? ये धार है प्योर इंडियन। इसके लिए ना पैसा चाहिए, ना पावर चाहिए, ना पब्लिक चाहिए, सिर्फ कुर्ता चाहिए। वो मेरे पास है। अब ये पर्सनल है गायकवाड़। टिंग। Thank you.
है, गाड़ी पीछे ले। तेरी तो ए धाप से धाप धाप बोल रहा हूँ, गाड़ी पीछे ले ले चल। अरे बोल मत, धाप से धाप तेरी तो। बाप लगता है तो कोई पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले। तुम्हारे अरेस्ट होने की खबर सुनते ही सिद्धू साहब फौरन यहां चले आए। ड्राइवर ने उन्हें बताया कि तुम गुस्से में अकेले गाड़ी लेकर कहीं चले गए हो। उनका माता ठनका और थैंक गॉड वो ठीक वक्त पर तुम्हारे पास आ पहुंचे। तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। मैं क्या मांगूं किछ छिर न रहा, हर दीजे ना शब्दी देख निहारी जियो। तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। गुरुद्वारे दे बाहर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया। पीछे का रोड बन रहा है तो सारा ट्रैफिक यही सर। पहले ये इधर वाला गेट उधर हुआ करता था। गुरुद्वारे को नई जमीन मिल गई है तो गेट इस तरफ का बढ़ा दिया। मिठा चंगा पौंदे प्रसाद च। दिल करता है उन सालों को गोली से उड़ा दूं। गोलियां तो मैंने बहुत चलाई हैं पुत्र, खून भी बहुत बहा है, यही सोच के कि मैं इंसाफ कर रहा हूं, और मैं गलत था। गोली से तो आदमी मरता है, समस्या नहीं मरती। तो फिर क्या करें, छोड़ दें उन खूनियों को ताकि किसी और रश्मि सानी का खून कर सके। छोड़ें क्यों, पर इंसाफ तो पुत्र तभी मिलेगा जब अपराधियों को सारी दुनिया के सामने कानूनी तौर पर सजा मिले। पुलिस उनकी, सरकार उनकी, अदालत ने तो उन्हें छोड़ दिया। और ये गायकवाड़ तो रावण है, 10 सर और 20 हाथ वाला राक्षस। अवाम के करोड़ों हाथ होते हैं बीबी, एक बार आवाम जाग जाएगा ना तो हर दिन दशहरा होगा और हर नुक्कड़ पे ऐसे रावण जलाए जाएंगे। अशफाक, अब रश्मि सानी का केस आवाम लड़ेगी। हल्ला बोल। आप क्यों अपना घर तोड़वा रहे हैं, कितने प्यार से बनवाया था आपने। अब मैं यहां नहीं रह सकता चट्टा, नहीं रह पाऊंगा। ऐसा क्या कर दिया समीर खान ने,
आमिर खान तो पागल हो गया गायकवाड, सड़क पर उतरा है, इसका कुछ करना पड़ेगा है तो डैमेज कर देगा ये। हाँ अभी बात करवाता हूँ। जीजा जी दिल्ली से पार्टी है कमान। हेलो नमस्कार। हाँ नमस्ते श्रीमान, बोलिए। सुना है समीर खान नुक्कड़ नाटक कर रहा है, कहीं रश्मि मर्डर केस को तो नहीं उछाल रहा है? नहीं 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 श्रीमान, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो एक पब्लिसिटी स्टंट है, ये नाटक वाटक कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करें। मैं बैठा हूँ ना, ज्यादा दिन नहीं बैठ पाएंगे। रश्मि मर्डर केस की वजह से पार्टी की छवि काफी खराब हो चुकी है, कुछ भी कीजिए ये नुक्कड़ नाटक रोकिए। जी श्रीमान। क्या हुआ जीजा जी, डांट रहे थे आपको, इस्तीफा मांग लिया? शट अप, ये नाटक नहीं होना चाहिए, नहीं होगा ये नाटक। और ये सिद्धू है कौन? है कौन है ये? समीर का साथ क्यों दे रहा है ये गायकवाड? चाणक्य है ना तुम्हारे साथ? सोचना था मैं तला सांगू था तभी तुला। हाँ देखता हूँ। पहचानता नहीं वो अभी तक मेरे को, पहचानता नहीं। अरे तुम चिंता मत करो नागराजन, तुम क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना इधर, मैं सब संभाल लूंगा। आप बिल्कुल चिंता, एसिड एसिड फेंकेगा उसके थोपड़े पे मैं। हाँ कातरी करके वो कुत्रे को खिलाएगा मैं कुत्रे को। गायकवाड़ मैंने अच्छे अच्छे को शीशे में उतार दिया है। अरे सिद्धू चीज ही क्या है, बच्चे की तरह घुमा दूंगा उसको। सर सिद्धू जी को लेके आ गया। हमारा नाम इंद्रजीत चट्ठा है, हम तुम्हें बचाना चाहते हैं। पूछो किससे? हमसे। हम वो हैं जो इस शहर में कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी से मतलब कुछ भी, समझ रहे हो ना? वो गंजा देख रहे हो, मिस्टर लाल ठाकुर, एक मामूली कस्टम ऑफिसर। बाहर से जब भी हमारा कंसाइनमेंट आता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, और हमने उनकी किस्मत खोल दी। और वो जो पानी में तैर रहा है वो अशोक पुरे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तनख्वाह सरकार से लेते हैं और काम हमारे लिए करते हैं और मैच करते हैं हमारे साथ। बस यूं समझ लो कि हमारी दोस्ती एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, LIC से बढ़कर। जो हमारे काम आते हैं वो खुशहाल हो जाते हैं, और जो नहीं आते वो फिर किसी को नजर भी नहीं आते। अब ये समीर अमीर का नाटक छोड़िए, हाँ हमें तो ये बताइए आपको कितना कैश चाहिए और कहाँ चाहिए, हम पहुंचा देंगे। जी अब सोच क्या रहे हैं, कपड़े उतारिए और पानी में कूद जाइए। वो देखिए वो जल परियां आपका इंतजार कर रही हैं, जाइए जाइए जाइए। होगा अपने बिहड़ का, यह मुंबई है, 2 दिन में एनकाउंटर करा दूंगा। 20 साल राज किया है उसने इन बिहड़न में, 3 स्टेट की पुलिस उसका कुछ नहीं कर पाई, थर थर कांपता था पूरा इलाका उसके नाम से एनकाउंटर। हेलो गायकवाड़ साहब से बात कराओ। हाँ हाँ यही है, अभी बात कराता हूँ। चिजा जी दिल्ली से हाई कमांड बोल दो, मैं नहीं हूँ। वो कह रहे हैं कि वो है नहीं। hey! क्या कर रहा है? हेलो गायकवाड़। हाँ हाँ बोलिए। नाटक का क्या हुआ? नहीं नहीं वो नहीं होगा, नो प्ले, होना भी नहीं चाहिए, माय गारंटी। कुछ भी कीजिए ये नुक्कड़ नाटक रोकिए। इस्तीफा मांग लिया क्या? ओ कोई इसका एनकाउंटर करो यार। जी यू आर अ मिनिस्टर गायकवाड़, ट्रैफिक परमिशन, म्युनिसिपल परमिशन, पुलिस परमिशन, सरकार के कितने फॉर्मेलिटीज है, किसी भी एक में अटका दो सालों को। वो कोशिश करके भी देख ली, लीगली वी कांट स्टॉप देम, और सालों ने डेट भी चुनी है तो 2 अक्टूबर, सिर्फ 3 दिन रह गए। एक नया मोर्चा खोलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है चल, कोई बात नहीं। क्या हुआ? पुलिस ने किसी भी तरह का प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया। कोई बात नहीं, अपने वॉलंटियर्स तो होंगे वहां। हाँ अपने वॉलंटियर्स तो हैं, पर 2 अक्टूबर छुट्टी का दिन है, तू इस शहर की सड़क पर पहली बार उतरेगा, बहुत भीड़ होगी, वो गायकवाड़ उस भीड़ का फायदा उठा सकता है। आशु देखो ये
दादा आप? सुमीर बेटे बड़ी मुसीबत हो गई। क्या हुआ? सुबह नंदिनी मेरी पोती ऑफिस गई, उसने मुझे टेलीफोन किया, उसे पुरानी हार्ड डिस्क मिली जिसमें रश्मि सानी का पूरा केस और असली फॉरेंसिक रिपोर्ट थी जिसमें वो गोलियां और पिस्टल मैच करते हैं। लगता है फोन टैप था, वो तुमको बताने निकली, रास्ते में उसे किसी ने उठा लिया। ये तिवारी करके आदमी का टेलीफोन आया कि रिपोर्ट दे जाओ और नंदिनी को ले जाओ। ये उसने एड्रेस दिया है। दादा दादा आप फिक्र मत कीजिए, मैं ले आऊंगा उन्हें, आप आराम कीजिए, ले जाऊंगा। हाँ, आइए। मैं जाता हूं। ये तिवारी बहुत खतरनाक। जानता हूं, ये कभी मेरा साथी हुआ करता था। मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं पुत्र, तेरा 2 अक्टूबर को सड़क पर उतरना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको अकेले जाने। कुछ नहीं होगा पुत्र, रब रखा। ए छोरी, बताया दे ना रिपोर्ट कहाँ है? तेरा बाबा आ रहा है, काट के चढ़ाए देंगे, बताए दे रिपोर्ट कहाँ है। अरे सिद्धू, आवा आवा, बुढ़ाए गए हो सिद्धू। हाँ, तू भी तो अद्दा ही रह गया है। और कैसे हो? बस नींद बड़ी अच्छी आती है। ऐसे मिलेंगे बरसों बाद, सोचे नहीं था। अफसोस तो मुझे भी है। लड़की पे हाथ उठा दिया तूने। ओए, कभी तू मर्द हुआ करता था तिवारी। चल बेटी। अरे रब का वास्ते हुए, मुझे खून बहाने पे मजबूर न कर। अरे तू क्या खून बहाएगा, तू तो कब का हथियार डाल चुका है। हथियार जरूर डाल चुका हूं, चलाना अभी भी याद है। चल पुत्र। ओरिजिनल फॉरेंसिक रिपोर्ट जिससे साबित होता है कि असली पिस्तौल और असली रिपोर्ट बदली गई थी। सर जरा दिखाइए, मैं भी तो देखूं ये रिपोर्ट कितनी असली है। अब आपके डिपार्टमेंट की इज्जत आपके हाथ में है कमिश्नर साहब। वो पिस्तौल चलो जहां कहीं भी है निकलवाइए। ये काम जरूर आपके ही डिपार्टमेंट में से किसी का है। थोड़ी क्या कर रहे हो? कोई गल नहीं। लो थोड़ा पानी पी लो। उन्हें थल्ले चला जाए। एक कमिश्नर साहब, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का कितना कुछ सर्कुलेशन होगा? होगा कोई 20-1 लाख। क्यों? नहीं, सोच रहा था कि 20 लाख कापियां अकेले राठौड़ साहब खाएंगे, आपका पूरा डिपार्टमेंट खाएगा। कल तक अगर असली पिस्तौल बाहर नहीं आती तो परसों के हर अखबार में ये रिपोर्ट छप जाएगी।
कल रात अचानक समीर खान मेरे फ्लैट आ पहुंचे, नशे में धुत, मुझसे जबरदस्ती करने लगे, कहने लगे कि मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। मैंने उन्हें बहुत समझाया, कहा कि मैं एक संस्कारी हिंदू लड़की हूं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तो वो गुस्से में आ गए और मेरे कपड़े फाड़ने लग गए और मैं किसी भी तरह वहां से अपनी इज्जत बचा के भाग निकली। What a performance! बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है लड़की। डायलॉग तो सब चड्डा साहब ने लिखे हैं। सीन तो आप ही का था जनाब। ये समीर उर्फ अशफाक खान, इसको हमने सर पे बिठाया, इसकी फिल्में हिट करवाई और इसने हमारे हिंदू बहन की इज्जत पे हाथ डाला। पिछले एक घंटे से आप यही कह रहे हैं कमिश्नर साहब, कब आएगी पुलिस? हमारी सिक्योरिटी को घायल कर दिया उन्होंने, तो मॉब इज गेटिंग वायलेंट, कभी भी घुस सकते हैं अब अंदर। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, किसी को तो भेजिए। कोई फायदा नहीं, सिद्धू साहब को भी इसी वक्त जाना। लगा खरीद लिया, दिन अच्छा था, गृह प्रवेश कर लिया, अब फर्नीचर जर्मनी से आ रहा है, कारपेट पर्शिया से आ रहा है और पता है झूमर बेल्जियम से आ रहा है। आओ आओ समीर साहब आओ। अरे पंचाल। हाँ जी जी। समीर साहब को प्रसाद दो। आज मैं यहाँ प्रसाद लेने नहीं का एक फर्ट, तुझे प्रसाद देने आया। आइए आइए अंदर चल के बात करते हैं। अरे आप लोग जलपान कीजिए, चटा प्लीज। आइए आइए। क्या है? आइए आइए आप लोग जलपान कीजिए, आइए मेरे साथ आइए। आप चाहता क्या है तू? बोल क्या करना है? अकेला आया, बोल। हाँ ऊपर चल के बात करते हैं, आइए। जब कुछ नहीं कर पाया तो लड़की को सामने कर दिया, लड़की की आड़ में छुप के लड़ता है ना मर्द। समीर आवाज नीचे। उस रात कान पे बजा के गया था, आज कान के नीचे बजाऊंगा और ऐसा कि 3 दिन तक हर चैनल में उसकी आवाज गूंजती रहेगी। घंटे बेचता है, पत्थर फेंकवाता है। It's all right. खबरदार, आइंदा अगर तेरी वजह से मेरी बीवी या बच्चे
की आंख में आंसू आया तो तेरा वो हश्र करूंगा कि हर हफ्ते घर बदलता फिरेगा ऐसे ही। अगर मेरा दिमाग घूम गया तो तुझे बताएगा एक बार, फिर मैं पूछता नहीं कि बाथरूम किधर है। गायकवाड़ जी, ये सब क्या हो रहा है? गायकवाड़ साहब, समीर खान क्या बोल रहे थे और वो बाथरूम वाली क्या बात बता रहे थे? नहीं नहीं, वो तो ये बता रहे थे वास्तु शास्त्र के नियम। जीजा जी, अच्छा हुआ चला गया, सिर्फ कांच ही तोड़ के गया। मुझे तो डर लग रहा था कि पिछली बार की तरह हॉल में फिर से पेशाब ना कर दे। वो तो तू कर रहा है अभी। जीजा जी, हम आपके साथ हैं, हम मतलब इस मुल्क के करोड़ों मुसलमान आपके साथ हैं। एक बार ये ताकत आपके दुश्मनों की समझ में आ जाए तो वो आपके घर पे पत्थर फेंकने से पहले 100 बार सोचेंगे। आप एक बार आवाज तो उठाइए, हम इससे बड़े मुजाहिरे करके दिखा सकते हैं। आपके पास यही एक रास्ता है, माइनॉरिटी प्ली। आपको अदालत में सिर्फ इतना कहना है कि आपको इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि आप मुसलमान हैं, माइनॉरिटी हैं, बस हो जाएगा, बाकी सब हम देख लेंगे। क्या? Get out, I said! क्या हुआ? जिस देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम एक मुसलमान हो, प्रधानमंत्री एक सिख हो, दोनों माइनॉरिटी, वहां पे मेरा ये कहना कि मैं मुसलमान हूं माइनॉरिटी हूं इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है, इससे ज्यादा घटिया और शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। मुझे अपने देश के संविधान पे पूरा भरोसा है, जो मेरा हक है, एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से मैं उसे लड़कर हासिल करूंगा। दफा हो जाइए आप लोग। तिवारी कैसा है? बच गया जीजा जी, ये सिद्धू भी कमाल का आदमी है, उसी ने सबको मारा और वक्त पर अस्पताल भी पहुंचा दिया। सभी की जान बच गई, लेकिन तिवारी को इस बात का अफसोस है कि वो आपके काम नहीं आया। अब काम आएगा, अब काम आएगा। और यहां सेंटर में अशफाक होगा और यहां भीड़ को चीरते हुए मैं सीधा अशफाक के पास। सिद्धू कौन है यहां? उनके नाम अरेस्ट वारंट है। किस जुर्म में? तिवारी की मौत होगी आज हॉस्पिटल में। क्या बकवास कर रहे हैं आप? सुबह ही मेरी डॉक्टर के साथ बात हुई, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और डिस्चार्ज करने वाले उन्हें, और आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ हमारे नाटक को रोकने के लिए उस हरामजादे ने तिवारी को मार डाला। तुम लोग मेरी फिक्र मत करना, चलो कल नाटक जरूर होना चाहिए अशफाक। हल्ला बोल। व्हाट्सएप जैसा चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए। हम रसूल आएंगे दुनिया में, ना राम आएंगे, सिर्फ इंसान ही इंसान के काम आएंगे। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। भाई साहब, आपके सामने आपके पड़ोसी पे जुल्म हो रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं? मैं बहुत शांति प्रिय आदमी हूँ भाई, मैं यज्ञ में नहीं पड़ता। लीजिए, ये शांति प्रिय आदमी है।
भाई साहब, आपके सामने आपके पड़ोसी को कोई पीट रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं? ये सरकार का काम है, हम क्या कर सकते हैं? लीजिए, ये सरकार का इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, आपके सामने कोई आपके पड़ोसी को पीट रहा है, उन पे जुल्म कर रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं? ये तो भगवान का काम है भक्त, हम इसमें क्या कर सकते हैं? ये तो इनसे भी दो कदम आगे, भगवान का इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, आपके सामने वो चिल्ला रही है, मदद मांग रही है, आप कुछ करते क्यों नहीं? क्या आप उनकी मदद क्यों नहीं करते? हाँ जी। अबे सुनाई नहीं देता, कम से कम दिखाई तो देता है। आपसे अच्छा तो आपका कुत्ता है जो कम से कम आवाज को उठा रहा है। बचाओ। अरे रे रे, देखा आपने, अगर आपके सामने आपके पड़ोसी पे जुल्म हो रहा हो और आप चुप हैं, तो अगली बारी आपकी है। अब देखिए, ये एक्टर लोग जिंदगी भर डायरेक्टर का दिखाया हुआ करते हैं, लेखक का लिखा हुआ बोल देते हैं, उनकी खुद की तो सोच होती नहीं है। अब उनको मालूम है अभी कि जनता नाराज है उनपे, पुतला पुतला चला है उनका, तो बाहर निकल के ड्रामेबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन की तो पब्लिक के साथ हाथापाई हो गई। हमारी पुलिस ने तो उनको बचा लिया, अब इंक्वायरी चल रही है। Thank you.
समीर खान की हालत कैसी है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? समीर खान की वाइफ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? खान चुप क्यों है? समीर खान पर हमला किसने किया? आपको किसी पर शक है? जिन लोगों ने समीर खान पर हमला किया उन लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की गई? अरे किस किस की करेंगे रिपोर्ट? किस किस की करेंगे रिपोर्ट? उन 25-30 लोगों की जिन्होंने मिलकर मारा समीर को, या 3,000 लोगों की जो वहां खड़े हुए तमाशा देख रहे थे चुपचाप, या तुम साले मीडिया वाले बजाय इसके कि उसको बचाने के लिए जाते पिक्चर बना रहे थे उसके पिटने की ताकि उसको साबुन तेल के साथ बेच सको? अरे अपने मुनाफे के लिए चलो छटो, कहीं चला नहीं जाऊंगा मैं। इन पुलिस वालों की रिपोर्ट कहां करें? ऐसे चल रहे थे वहां पर जैसे जुलूस के साथ चल रहा हूं। तुम सारे के सारे गुनाहगार हो, जिन्होंने मारा वो भी गुनाहगार और जो चुपचाप खड़े हुए थे वो भी गुनाहगार। साले गुनाहगार, किसके लिए आवाज उठाई थी उसने? किसके लिए आवाज उठाई थी? रश्मि सानी के लिए? अपने लिए नहीं। रश्मि सानी का खून हुआ सब चुप, ऊपर समीर अपनी मौत से लड़ रहा है सब चुप। कल को मैं मर जाऊंगा सब चुप। वो एक दिन तुम लोगों की बारी आएगी सब चुप, कोई आवाज नहीं उठाएगा, मर जाओगे सारे के सारे। ओए बात करते हैं, रिपोर्ट नहीं लिखाई कहते हैं। चलो ये साहब हमारे जिले में एक नया एयरपोर्ट बनाने वाले हैं। आपके दामाद से बोला सीमेंट सप्लाई करने को इनको। अरे आप पांडू, तुझे पोर्गी से एडमिशन से ज्यादा। थैंक यू सर। मजा करा मजा करा। चड्डा साहब आपके मल्होत्रा की फाइल क्लियर कर दिया मैंने। दिल्ली से पार्टी हाई कमांड लाइए। हेलो हाजी, गुड मॉर्निंग श्रीमान जी। एक मिनट, वो मल्होत्रा से चढ़ावा लेना मत भूलना। आप भी हाजी कहिए। क्या होगा? नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। अरे भाई एक पड़ा है हॉस्पिटल में, दूसरा सड़ रहा है जेल में, हल्ला कौन बोलेगा? अंग अंग जख्मी है तेरा, लम्हा लम्हा फरियादी है, बोल जुबान अब घोर बोलने। समीर खान का कहना है कि हल्ला बोलने का ये मतलब नहीं है कि किसी को मारना, हल्ला बोलने का मतलब है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवार है, चल दिखा दे सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी घर होगी। एक समीर खान को इन्होंने अस्पताल भेज दिया है, लेकिन अब कई समीर खान खड़े हो गए हैं और इन सब का एक ही नारा है, रश्मि सहनी को इंसाफ दो। समीर खान ने सही बोला, हमें आवाज उठानी चाहिए। पिस्टल और गोलियां मैच क्यों नहीं हो रही हैं? हल्ला बोल, हल्ला बोल, रश्मि सहनी को इंसाफ दो। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। चल रही है सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी घर। कसूर हमारा भी, यह हम मिडिल क्लास वालों की प्रॉब्लम है, सब देखकर भी चुप रहते हैं, लेकिन अब बोलना पड़ेगा, हम बोलेंगे। बेचारे ने सच बोला, उसे इतना मारा, हम उसके साथ हैं। ये सब नहीं चलेगा, रश्मि सहनी को हम इंसाफ दिला के रहेंगे, दिला के रहेंगे। अगर हम इस तरह से चुप रहेंगे तो ये बड़े लोग हमारी यूं ही बजाते रहे। समीर खान इज रॉकिंग। जुर्म है प्यारे, जुल्मों को सहना भी एक जुर्म है प्यारे, जुल्मों को सहना भी आवाज उठाओ, लाजिम है लड़ना भी उस
दिल इंसान को। समीर खान मस्त आदमी है, तू भी हल्ला बोल। ये वक्त है, सवाल पूछो जवाब मांगो, ये जानना हमारा अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन। आम आदमी जाग रहा है, एक हो रहा है। मीडिया को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, उसने आम आदमी को जागरूक किया, उन्हें संगठित किया और एक नई ताकत उभरी। आई एम वेरी ग्लैड दैट द एंटायर मीडिया इज स्टैंडिंग फॉर द रश्मि सानी केस। समीर खान ने रश्मि सानी को इंसाफ दिलाने के लिए जो मुहिम शुरू की थी, ये उसी का नतीजा है कि आज अदालत ने सुओमोटो यानी कि खुद ही दोबारा इस केस को शुरू किया है। सब मुझे मिस्टर गायकवाड़ और मिस्टर नागराजन ने झूठ बोलने पे मजबूर किया। एसीपी राठौड़ को भी इन लोगों ने पैसों से खरीद लिया था। मैंने वो पिस्तौल जिससे खून हुआ था और ओरिजिनल फॉरेंसिक रिपोर्ट जो इस पिस्तौल से मैच करती है अदालत के सामने पेश कर दी। समीर खान की दिन ब दिन बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी का प्रतीक है ये ढेर सारे फूल और ये अनगिनत लोग जो दिन रात यहाँ अस्पताल के बाहर खड़े होकर समीर खान की सेहत की दुआ करते हैं, कामना करते हैं। रश्मि साहनी मर्डर केस को अदालत ने अपने अधिकार से फिर दोबारा खोल दिया है। क्या आप मानती हैं कि इसमें समीर खान की बहुत बड़ी जीत है? जी नहीं, ये किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है, ये आप सब की जीत है, मीडिया की जीत है, आवाम की जीत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि रश्मि साहनी को बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। ऑर्डर, ऑर्डर। एसीपी राठौड़ दफा 201 गिल्टी, सुनील कुमार दफा 191 गिल्टी, स्वामी प्रेम शंकर महाराज दफा 191 गिल्टी, बलवंत राय काबरा दफा 191 गिल्टी, इंद्रजीत चड्डा दफा 201 गिल्टी, शिवा नागराजन दफा 201 गिल्टी, गणपत राव गायकवाड़ दफा 201 गिल्टी, भास्कर नागराजन दफा 325 गिल्टी। हरीश गायकवाड़ दफा 302 गिल्टी। अब तो हीरो बनाओ। चल। अच्छा मान साहब, सेवैयां बाकी हैं। खुश रहो बेटा इसका। अरे चल भाई,